हे एवरीवन, नमस्ते जी एंड वेलकम बैक टू हम परिंदे। जो हमारे चैनल पे नए हैं इनसे मिलिए, मेरी सबसे अच्छी दोस्त एंड मेरी हम सफर प्यारी सी नटखट सी मेरी अर्धांगिनी और खाने की दीवानी पायल। और मेरे पीछे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो और यहाँ का पानी तो बहुत ही ज्यादा क्लीन है। एंड ये है पायल का पति यानी कि मैं। बिकॉज ये बीच ओम की शेप में बना हुआ है इसीलिए इसका नाम ओम बीच है। एंड हम निकले हैं एक ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे। लास्ट व्लॉग में हम आए थे साउथ गोवा से करवर कर्नाटका एंड फिर फाइनली हमने चेकआउट किया गोकर्णा का मेन बीच। अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो यू कैन चेक फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो आफ्टर दिस वीडियो। और आज गोकर्णा बीच की मार्केट से होते हुए वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द रिमेनिंग बीचेस ऑफ गोकर्णा एंड फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी मुरुदेश्वर तक। लो, मैंने ये तो सुना था खाने के लिए कमाते हैं लेकिन तू खाने के लिए जीते हैं। एज वी प्लान टू स्टे एट मुरुदेश्वर टुनाइट सो वी होप यू विल एंजॉय अ लिटिल एडवेंचर। गोकर्णा में हमारे घूमने के लिए दो बीचेस और रह गए हैं तो हमने सोचा कि पहले कुडले बीच चलते हैं फिर ओम बीच चलेंगे, लेकिन साइन बोर्ड जब देखा तो पहले ओम बीच आ रहा था तो इस वक्त हम लोग पहले ओम बीच जा रहे हैं उसके बाद फिर जाएंगे कुडले बीच। और महागणपति मंदिर वाली मार्केट से जब आप बाहर आएंगे तो यू हैव टू टेक अ राइट टर्न, इट्स अ बिट स्टीप टर्न एंड साइन पोस्टेड एज वेल, जस्ट फॉलो द गूगल पिन एंड फॉलो द सिंगल पेव्ड रोड एंड इट शैल टेक यू टू द कुडले बीच। तो जी कुडले बीच रह गया अप्रॉक्सिमेटली 6 किलोमीटर एंड इट इज गोना टेक 16 मिनट्स फॉर अस टू रीच देयर। सो गूगल के हिसाब से जैसे ही आप मार्केट से बाहर निकलते हो एक राइट टर्न आता है, वो थोड़ी सी स्टीप रोड है, ऐसा लगेगा जैसे इंटरनल रोड है लेकिन वही मेन रोड है, वही आपको लेना है और बहुत ही बढ़िया रोड है और सेम रास्ता जाता है ओम बीच को। आगे जाके द रोड स्प्लिट्स एंड कुडले बीच के लिए यू विल हैव टू टेक द लेफ्ट एंड ओम बीच के लिए यू विल हैव टू टेक द राइट टर्न। It's clearly signposted, so you won't have to worry. और ओम बीच पे आपको काफी सारी रोड साइड पार्किंग मिल जाएगी। ओम बीच टेक्स द शेप ऑफ द ओम, अ हिंदू स्पिरिचुअल सिंबल। द बेस्ट टाइम टू कम टू ओम बीच वुड बी द सनसेट। द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ व्हाइट सैंडी बीच अलॉन्ग विद अ रॉकी टेरेन मेक्स इट अ परफेक्ट प्लेस टू क्लिक सम कूल पिक्चर्स। तो पहले हम जाने वाले थे कुडले बीच लेकिन हमने डिसाइड किया पहले चलते हैं ओम बीच, यहाँ पे थोड़ा सा व्यू देखते हैं उसके बाद जाएंगे कुडले बीच की तरफ। जब आप ओम बीच आते हो तो बाहर आपको रोड साइड पार्किंग मिल जाएगी, हमने भी एक गाड़ी साइड पे लगाई थी और फिर वहाँ से वॉक करके आना पड़ता है और थोड़े से स्टेप्स हैं फिर नीचे जाके आपको बीच का नज़ारा मिल जाएगा। तो सामने मेरे अरेबियन सी है और बहुत सुंदर लग रहा है। लेट्स गो डाउन एंड लेट्स सी कैसा लगता है नीचे से बीच। तो जब आप नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रॉक्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचा सकते हो। हमने भी कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करी हैं और हमने इंस्टाग्राम पे डाली हुई हैं। अगर आपने हमारे को इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है सो प्लीज़ डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो बेसिकली ओम की शेप बनी हुई है, ये देखो ओम की शेप बनी हुई है यहाँ पे ऐसे करके एंड दिस इज़ द ओम बीच। और अभी धूप तो फुल ऑन पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी हो रही है लेकिन नज़ारा बहुत ही बढ़िया है। जो हम मेन बीच गोकर्णा गए थे उससे तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो अगर आप इंस्टाग्राम के लिए फोटोग्राफ्स खींचने में इंटरेस्टेड हो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। देयर इज़ आल्सो अ सी साइड रेस्टोरेंट वेयर यू कैन एंजॉय फूड बट इट्स जनरली वेरी बिजी एंड यू माइट हैव टू वेट अ बिट। और मेरे पीछे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो और यहाँ का पानी तो बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे कुछ लोग बोट राइड कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा सुंदर नजारा है। मैं आपको ये बोलूंगी कि आप ओम बीच जरूर आओ। यू कैन ऑल्सो ट्राई द जेट स्की राइड, बनाना बोट राइड, पैरासेलिंग एंड सर्फिंग आर सम ऑफ द एक्टिविटीज टू ट्राई एट गोकर्णास ओम बीच। ऑल द एक्टिविटीज आर ऑफर्ड बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स एंड नॉट ऑल द एक्टिविटीज मे बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स। तो ओम बीच तो हमने कवर कर लिया, बहुत ही बढ़िया जगह है गोकर्णा में। मेरा तो सांस फूल रहा है क्योंकि इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद तो किसी का भी सांस फूल जाएगा, लेकिन बहुत ही सुंदर है। अगर आप गोकर्णा आओ तो यहाँ पे आना बनता है, द व्यू इज़ वेरी वेरी गुड। और इसके बाद हम ड्राइव करके जाएंगे अब कुडले बीच, तो इस वीडियो का लास्ट बीच होगा। और फिर हमने कुछ फोटोग्राफ्स ली एंड आफ्टर हैविंग लंच इट वॉज टाइम टू हेड बैक टू आवर कार एंड चेक आउट द नेक्स्ट बीच कुडले बीच।
तो जब आप कुडले बीच आते हो तो यहाँ पे पार्किंग तो अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि प्रॉपर पार्किंग नहीं है तो आप गाड़ी नीचे नहीं उतार सकते। आई थिंक एक पेड पार्किंग भी है आगे, बट गूगल हमें यहाँ लेके आ गया था तो हम यहाँ आ गए। तो हमने रोड साइड ही पार्किंग करी है और भैया को बोला प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर थे तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप जाके आ जाओ आराम से, लेकिन अगर आपकी गाड़ी की क्लियरेंस है तो आप खड़ी कर सकते हो, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। और ये सिंगल रोड ही एक्चुअली। तो चलो कुडले बीच देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कुडले बीच के नज़ारे और फिर यहाँ से निकलते हैं आगे। जब हम ओम बीच गए थे तो वहाँ पे नीचे उतरते वक्त तो ठीक था, लेकिन ऊपर आते वक्त तो हमारी बैंड बज गई। और अब यहाँ पे भी रैंप था और अब उतनी स्टेयर्स नीचे जाना है और फिर उतनी स्टेयर्स वापस ऊपर आना है। किसी से पूछा था, उन्होंने बोला था कि यहाँ से 5 मिनट्स की वॉक है, तो चलो चलते हैं 5 मिनट्स की वॉक करते करते और देखते हैं बीच के नज़ारे। और मुझे लगता नहीं है 5 मिनट्स की वॉक है क्योंकि 5 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। देखते हैं कितना नीचे है, बस ऊपर आते वक्त भगवान हमारे को हिम्मत दे दे। तो बेसिकली गोकर्णा में बहुत सारे बीचेस हैं। एक तो मेन बीच है जो हमने अभी कवर किया था, उसके बाद आप जा सकते हो ओम बीच, और ओम बीच ओम की शेप में है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। वहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स थे और एक रेस्टोरेंट भी था, और नीचे चल के जाना पड़ता है और उतना ही ऊपर वापस आना पड़ता है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन बीचेस, यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स भी मिल जाएंगे आपको बढ़िया बढ़िया। रास्ते में तो बहुत सारे रिजॉर्ट्स थे। और इसके बाद एक और बीच है जो कि है पैराडाइज बीच, लेकिन उसके लिए आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा। और जब आप इस बीच पर आते हैं तो आपकी सबसे पहली मुलाकात होती है इनसे, और उसके बाद का जो नज़ारा है वो वर्थ इट है। पानी बहुत क्लीन है यहाँ पे, मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग जो है वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे कि काइकिंग हो गया और बोट राइडिंग हो गया, एक बोट भी खड़ी है यहाँ पे, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पे 3-4 रेस्टोरेंट्स भी है जो बीच फ्रंट है, एंड कॉटेजेस भी हैं, अच्छा आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। फिलहाल हम चलते आगे और पानी का नज़ारे लेते हैं, फिर जाएंगे वापस। यहाँ पे सीगेट कैफ़े है, मूनलाइट कैफ़े है, और पैराडाइज होटल भी है, कैफ़े भी है यहाँ पे पैराडाइज। ये मैडम यहाँ बैठ के सनबाथ ले रही है और हमको देखो पसीना पसीना हो गया यार, मैं तो जा रही हूँ पानी में, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। वेलकम टू कुडले बीच। कुडले बीच कर्नाटक गोकर्णा का वन ऑफ द बेस्ट बीच है। हम यहाँ पे काफ़ी टाइम से आना चाहते थे, थोड़े से स्टेप उतर कर आए हैं, लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है वो वर्थ इट है। बीच तो बहुत ही बढ़िया है, पानी इतना ज़्यादा क्लीन नहीं है तो इट इज़ गुड फॉर स्विमिंग बट नॉट दैट ग्रेट। बट अगर आप वाटर एक्टिविटीज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटीज़ हैं, यू कैन डू काइकिंग, बोटिंग है, एंड आई थिंक कुछ ट्रिप्स भी होते हैं यहाँ पे, तो वो भी लेके जाते होंगे। अगर आप ट्रैकिंग का शौक रखते हो तो यहाँ पे एक क्लिफ भी है, आप क्लिफ पे ट्रैक भी कर सकते हो। आई थिंक इसके उस साइड कोई ना कोई बीच तो होगा ही। थोड़ा पानी में चलते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद वी स्पेंड सम गुड टाइम एट द बीच एंड देन ट्राई सम स्नैक्स एंड ड्रिंक्स बिफोर लीविंग फॉर आवर फाइनल डेस्टिनेशन। तो अगर आपको गो करना आना है सो मैं यही कहूँगा कि हमारी रिकमेंडेशन है कुडले बीच और ओम बीच। अगर आप ट्रैक कर सकते हो तो आप पैराडाइज बीच भी जा सकते हो, यहाँ पे आप बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। सो यहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ तो है ही है। अब यहाँ से हम जाने वाले हैं मुरुदेश्वर, वी आर नॉट गोइंग टू बी स्टेइंग इन गोकर्णा। पहले हमारा प्लान था यहाँ पे हम 2 दिन रहेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं यहाँ से निकलते हैं, 4 बज चुके हैं शाम के एंड आई थिंक वी शुड लीव। और जितने ही स्टेप्स नीचे आए थे उतने ही स्टेप्स ऊपर चलने की हिम्मत जुटाकर हम चल पड़े, एंड क्योंकि गर्मी बहुत थी तो रास्ते में हमने ट्राई किए कुछ और ड्रिंक्स। अभी बीच में रुके हैं, लेट्स ट्राई द लेमन सोडा, देखते हैं कैसा है।
कुडले बीच से मुरुदेश्वर का डिस्टेंस था 81 किलोमीटर्स एंड हमें लगने वाले थे अप्रोक्सीमेटली 1 hour and 40 minutes. द व्यू ऑफ द अरेबियन सी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड कांट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स. यू विल हैव टू सी इट फॉर योरसेल्फ. देयर आर आल्सो योगा सेशंस इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग व्हिच यू कैन चेक आउट इफ यू आर स्टेइंग एट वन ऑफ द रिसॉर्ट्स नियर द कुडले बीच. यू कैन आल्सो ट्राई काइकिंग, बनाना बोट राइड एंड अदर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एट कुडले बीच. Since we already tried them in Goa, so we opted not to do it here. और पायल फिर सर्च करने लग गई मुरुदेश्वर के होटल्स. पहले हमने गोकर्णा के होटल सेलेक्ट किए थे, फिर वहां तो हम रहे नहीं, फिर हमने सोचा मुरुदेश्वर निकल जाते हैं तो फिर मुरुदेश्वर के होटल्स भी तो चेक करना था, तो इसलिए भाई लग गई होटल्स चेक करने. जब आप गोकर्णा से मुरुदेश्वर की तरफ जा रहे होते हो तो आपको रास्ते में 2-3 पेट्रोल पंप्स गोकर्णा में ही मिल जाएंगे. सो इफ यू वांट टू गेट योर पेट्रोल फिल, आप यहीं पे फिल करा सकते हो, अदरवाइज नेशनल हाईवे 66 पे तो बहुत है. कर रहा है कि इस वक्त गोलगप्पे मिल जाए और स्वीट डिश में जलेबी. अच्छा, पकोड़े? हाँ. पकोड़े नहीं चलेंगे? पकोड़े मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगा. हाय हाय, गरम गरम पकोड़े, चाय और साथ में स्वीट डिश में मिल जाए जलेबी, मजा आ जाएगा ना. मजे कम लिया करो. आगे ना वो जा रहा है मिल्क टक, मिल्क का टैंकर जा रहा है आगे, लिखा वहां पे. अच्छा, उसके अंदर डाल देना तुम्हारे को मैंने. अच्छा, समझ आई? ज्यादा नहीं बोलना, डाल के तो दिखाओ. डाल के दिखाओ पहले. बस खाने के अलावा कोई काम है? यस, बहुत सारे काम है. खाने के लिए जीतते हैं तो सबसे पहले खाना खाएंगे. खाने के लिए जीते हैं? मैं तो जीतती खाने के लिए. लो, मैंने ये तो सुना था खाने के लिए कमाते हैं, लेकिन तू खाने के लिए जीते हैं. अरे आप कमा तो आप रहे हो ना, मैं तो सिर्फ खाऊंगी. मेरा काम सिर्फ खाना है. चलो कहीं रोकते हैं, खाते हैं कुछ. पीछे ना एक दाल वड़ा वाली शॉप दिख रही है, दाल वड़ा खाते हैं. बढ़िया. हाँ यार, बढ़िया सा दाल वड़ा. और वहाँ पे ना मेरे को वड़ा पाव या कुछ समथिंग मिल सकता है? वड़ा पाव तो नहीं मिलेगा, पर देखते हैं कुछ ना कुछ तो यहाँ की जो लोकल डिश है वो ट्राई करते हैं, खिलाते हैं आपको. बढ़िया सा खिलाते हैं. जलेबी मिल जाए तो मजा आ जाएगा. बस मीठे में जलेबी. भगवान ने चाहे तो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी करेंगे, जल्दी पूरी करेंगे. ठीक, पहले चुपचाप से गाड़ी चलाओ और मुझे मुरुदेश्वर पहुँचाओ. अच्छा, उसके बाद बात. और कोई हुक्म? और कोई हुक्म मेरे आका? बस फिलहाल इतना ही है. चलो देख लो जी, होटल बुक हुआ नहीं है, मुरुदेश्वर जाना है. ओह हाँ. यार मैंने सिर्फ होटल देख ली थी, सच्ची बता रही हूँ. नेटवर्क चला गया था, पर मैं अब देख लेती हूँ, बस चेक कर लेती हूँ. करो करो, होटल बुक करो मैडम, नहीं तो मुरुदेश्वर पहुँच के ना ढूंढते रहेंगे पागलों की तरह. और देख लो 5:30 होने वाले हैं, सो 6 बजे तक पहुँच जाएंगे. आई थिंक 6 बजे नहीं, 5:45 तक पहुँच जाएंगे. 15 मिनट रह गए, जल्दी कर लो. ठीक है, मैं होटल ढूंढती हूँ और आप ढूंढो कि कोई ऐसी शॉप जहाँ पे हमें जलेबी मिल जाए, गोलगप्पे मिल जाए या पकौड़े वगैरह कुछ भी. मुरुदेश्वर पहुंच के तुमको सब कुछ खिला दूंगा, तुम पहले होटल ढूंढ लो प्लीज. चलो ठीक है. तो जी अब पहुंचने वाले हैं मुरुदेश्वर, अनदर 13-14 minutes एंड पायल ढूंढेगी अब होटल और आपसे बात करते हैं मुरुदेश्वर जाके. बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हुए थे हमें यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मैसेज करके बताते हो कि कैसे हम अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम. प्लीज़ कीप द कमेंट्स गोइंग, बहुत मोटिवेशन मिलती है. इस ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है. पहुंच चुके हैं हम लोग मुरुदेश्वर
और 3-4 होटल्स हम लोगों ने देख के रखे हुए हैं, देखते हैं उनमें से कौन सा हम लोग होटल सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद शायद हम लोग आज टेम्पल इवनिंग में कवर करेंगे, नहीं तो कल मॉर्निंग में तो जा ही रहे हैं। सो जी फाइनली मुरुदेश्वर में हमें अपना होटल मिल गया है, हमें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, जो भी हमने ऑनलाइन होटल्स देखे थे वहाँ तो हम गए ही नहीं। जब आप मुरुदेश्वर की तरफ राइट लेते हो तो आप सीधा टेंपल की तरफ जाओगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर्स की वो राइड है। 1 किलोमीटर के बाद ये होटल आ गया था, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और डिटेल्स भी दे दूंगा आपके लिए अगर आपने कभी बुक करना हो। वेरी इकोनॉमिकल एंड आई मस्ट से कि होटल बिल्कुल नया है और मेरे को लगता है इस रूम में कोई रहा भी नहीं होगा अभी तक, बहुत ही साफ है। द गाइज आर वेरी गुड, इनके पास बहुत ज़्यादा पार्किंग स्पेस भी है, नीचे एक रेस्टोरेंट भी है और यहाँ से सबसे बेस्ट बात है कि यहाँ से टेम्पल और जो भोलेनाथ जी की मूर्ति है वो बिल्कुल यहाँ से सामने दिखती है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। अभी तो सनसेट हो गया तो अभी तो इतना क्लियर व्यू नहीं है, लेकिन सुबह सुबह मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा, बहुत ही बढ़िया व्यू है। और ये बहुत ही सिंपल होटल था विद एम्पल पार्किंग स्पेस, द रूम वाज स्पेशियस एंड सो वाज द वॉशरूम, एंड यहाँ से टेंपल का व्यू भी बहुत बढ़िया था। इट्स जस्ट अ 10 मिनट्स वॉक टू द मेन टेंपल बिल्डिंग। और ये था गोकर्णा का कुडले बीच, ओम बीच एंड आवर ड्राइव टू मुरुदेश्वर। We had a lot of fun checking out new beaches at Gokarna and the vibe was totally different from the beaches we visited in Goa. The Goa playlist has been linked in the description box below. And agla episode dekhna bilkul mat bhulna, jahan hum aapko darshan karwayenge Murudeshwar temple ke, and we were very lucky to attend the full aarti and shoot the same for you. So stay tuned and hame support karne ke liye please do like and share the video, and if you haven't subscribed please subscribe for more such videos. Milte hain Karnataka ke ek aur episode ke saath jaldi hi। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप वॉन्डरिंग।